हैं, सौहार्द अपने आप ही बना रहेंगे, पुलिस की आवश्यकता ना पड़े, ये बड़ी अच्छी बात है। प्रेम व भाईचारे के साथ रंगोत्सव मनाने की अपील। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा परिसर में आगामी लोकसभा चुनाव होली और रमजान को लेकर शांति एवं सौहार्दपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान एएसपी राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि शांतिपूर्वक होली का पर्व और रमजान मनाने के लिए कहा। इस मौके पर मौजूद शांति समिति के सदस्यों से आपसी प्रेम व भाईचारे के साथ रंगोत्सव मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है और इसको देखते हुए सोशल मीडिया पर विशेष नज़र रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि रंगों के इस पावन त्यौहार में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एएसपी ने होली में हुड़दंग मचाने वालों को सख्त चेतावनी दी। एएसपी राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि होली का पर्व आने वाला है। होली का पर्व आपसी भाईचारे का संदेश लेकर आते हैं, इसलिए सभी को शांतिपूर्वक पर्व को मनाना चाहिए। होली के पर्व पर यदि किसी ने खुले में शराब या हुड़दंग किया या तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। किसी प्रकार का उपद्रव आदि न करें जिससे कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी लोगों से अपील की यदि किसी स्थान पर होली दहन को लेकर कोई समस्या है तो उसको लेकर तुरंत सूचित करें। पिलखुवा को गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, इसलिए हम सबको होली का पर्व शांति सद्भाव के साथ मनाना है। वहीं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इस दौरान इस मौके पर एड संजीव, अनिल, सलाहुद्दीन, लियाकत, पापू, हाजी रसीद, प्रभारी निरीक्षक अखिलेश त्रिपाठी, निरीक्षक मनोज बालियान सहित पुलिस कर्मी मौजूद रहे। गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तो लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। कहते हैं मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, बाबा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, जमीन की कोख में भी जाते हैं तो गुसल करके, मगर वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय। मैं मंचा सिंह, मेरे देवतुल्य बुजुर्ग और नौजवान साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरा नाम शिव कुमार सिंह, मैं ग्राम प्रधान हिंडालपुर से हूँ, थाना पिलखुवा, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। होली का त्यौहार हमारे पास ही आ रहा है और रमजान भी चल रहे हैं, तो मेरा आप सभी सम्मानित भाइयों से निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर या रंग लगाता है, कोई जबरदस्ती रंग लगाता है, फिर बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो जो व्यक्ति अगर कलर नहीं खेलना चाहता है उसके साथ भी जबरदस्ती ना करें, जिससे झगड़े की संभावनाएं कम होंगी। दारू वगैरह जाके पी के हुड़दंग ना मचाएं, अपने अपने आसपास के लोगों को सबको बताएं, उन्हें जागरूक करें कि एक ही झगड़ा इंसान को बहुत पीछे कर देता है। जो मीटिंग बुलाई गई है, जैसा अभी इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि होली का पर्व कुछ लोगों को ज़्यादा रंग चढ़ा देता है और वो रंग चढ़ा हुआ कभी कभी हानिकारक सिद्ध होता है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ये चाहता है, क्योंकि उधर रमजान का महीना भी चल रहा है, तो पुलिस डिपार्टमेंट ये चाहता है। और हमारे एसपी साहब ने जो ये मीटिंग ली है, हम इनको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। इनकी शान में एक शेर कहूँगा कि सुबह लिखूंगा शाम लिखूंगा, बुलाने के लिए दिल से पैगाम लिखूंगा, और जिस कलम से सुबह लिखूंगा शाम लिखूंगा, बुलाने के लिए दिल से पैगाम लिखूंगा, और वो कलम भी अदब से झुक जाएगी, जिस कलम से एसएसपी का नाम लिखूंगा वो कलम भी अदब से झुक जाएगी। तो साथियों, हमारे बीच ऐसा पवित्र त्यौहार आ रहा है जिसका नाम है होली। पहले तो हम भी मनाया करते थे, थोड़ा सा कन्वर्ट हो गए, यानी होली हमारे बड़े बूढ़ों ने भी खूब खेली है, बड़ा अच्छा त्यौहार है, इसमें तिलक करना चाहिए, गले मिलना चाहिए, और ये जो फालतू बात है उसे पकड़ के ठोक दिया या उसे नू कर दिया। अभी प्रधान जी मिसाल दे रहे थे कि छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है, तो पहले छोटी भी कंट्रोल करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है तो त्यौहार, और इसका कहीं डबल नुकसान ना हो जाए। और मैं मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी हमारे सभी
हिंदू भाई भी कह रहे हैं कि रमजान का एक पवित्र महीना है, ये सच्चाई है, पवित्र महीना है, इसका हमें भी कदर करना चाहिए। इसको बड़े प्यार से, ईद का त्योहार भी आ रहा है, इसे बड़े प्यार से मनाना चाहिए। और हमारा तो या ऐसे हमारे मुस्तफा साहब ने कहा अभी, और होली का पवित्र त्यौहार, ये दोनों त्यौहार हमारे लगभग इस माह में पड़ने वाले हैं। जो रमजान का महीना है वो सब्र और इबादत का महीना है, ऊपर वाले की दुआओं को लेने का महीना है, और जो होली का महीना है, होली का जो पर्व है वो खुशियों का पर्व है। होली में माना जाता है कि यदि आपके किसी से कोई बुरे अनुभव थे, कोई बुराई थी, तो वो भी इस अवसर पर समाप्त कर दिए जाते हैं। मौसम में भी रूहानियत रहती है और मौसम में रोमांच भी रहता है, जिससे कारण लोग बड़े उत्साह के साथ होली का पर्व भी मनाते हैं। लेकिन जैसे अभी हमारे मर साहब ने कहा कि होली की उमंग में आप भंग ना कर दें, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कई हमारे युवा साथी शराब के नशे में बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। दो तीन सुझाव मैं आप लोगों से करूंगा और साथ में अपेक्षा भी करूंगा कि इस मीटिंग में, चूंकि सभी जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है, इस मीटिंग के माध्यम से वो व्यवस्थाएं भी करें आप लोग, और जो अराजक तत्व हों, जो बदमाशी करने वाले लोग हों, उन तक भी ये बात पहुंचाएं। एक तो जो भी होलिका दहन स्थल हैं, जहां जहां परंपरागत तौर पर होलिका रखी जाती है, वहीं पर होलिका दहन होगा। दूसरा, एक होलिका दहन सुरक्षा समिति आप लोग बना लीजिए, जो होलिका दहन के टाइम पे और उसके पहले उसकी सुरक्षा और उसकी व्यवस्था देखे, ताकि कोई एक तो उसके साथ समस्या पैदा ना करे, और ये छोटी छोटी व्यवस्था देख ले कि कहीं कोई बिजली का तार ऊपर से तो नहीं जा रहा, पता चला हमने होलिका दहन किया और उसका तार वार से फिर कोई मिसहैप नहीं हो जाए।